कंटेनर कंट्रोलर ऑफिस, कंटेनर कंट्रोलर ऑफिस एकदम सामने है जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं तो क्या वहीं खड़ा देकर दूसरों का रास्ता रोकना है? जी, मेरे नाम का एक कंटेनर आया होगा मॉरिशस से। ओबामा हो क्या? अपना नाम बोलो और फिर रसीद का ट्रांजैक्शन नंबर। ओबामा हो क्या? जी, नाम ध्रुव है मेरा। सुपर सुपर कमांडर ध्रुव। अरे आप यहाँ कैसे? सॉरी जी, सर जी पहले बैठो जी। आप क्या लेंगे बताएं? कंटेनर नंबर बोलें जी, फटाफट बताता हूँ जी। नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, आप नाम से चेक कर लें। नाम से पॉसिबल ही नहीं है सर जी। अब ध्रुव नाम तो कई लोगों का होगा। आप सुपर कमांडो ध्रुव से सर्च करें, वह तो एक ही होगा। ना जी, बहुत होंगे। आप गूगल सर्च मार कर देख लो। यानी आप ऐसा करते ही नहीं हैं? करते हैं सर जी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए तो। ऊपर से? कितनी ऊपर से? गांधी जी से। व्हाट, आप मुझसे घूस मांग रहे हैं? आपसे? तौबा तौबा, मैं तो प्रोसेस बता रहा हूँ सर जी, प्रैक्टिकल वाला। वरना आप ट्रांजेक्शन नंबर वाली ई रसीद भी ले आएंगे तो एक सेकंड में आपका काम कर दूंगा जी। ओके, तो मैं रसीद लेकर ही। ओ जी, मारा कंटेनर 20 दिन पहले यूरोप से चला था, किधर रखा है? रसीद नंबर बताइए सर जी। नंबर से मोबाइल में मारे को पढ़ना कठे आवे। तू मन ने पढ़ा लिखा लगता है छोरे, पढ़ के बता दे नंबर इस काम चोर ने। लाइए। ओह, ये क्या आंखें चौंधिया गई, तेज दर्द भी हो रहा है। यह लेजर ब्लास्ट था बच्चे। तेरा पीछा करते करते ही हम आए थे ध्रुव, सोचा था तेरे पीछे ही हम कंटेनर तक पहुंच जाएंगे, पर इस क्लर्क ने खेल बिगाड़ दिया। अब या तो यह मरेगा या कंटेनर तक हमने लेकर जाएगा। ना नंबर पता हो तो बताऊं। अभी तो बड़ा गांधी जी का भक्त बन रहा था, ले 10 गांधी और बक। मामले टेढ़े लगता है, मैं ना लेता पैसे, ना बताता, नौकरी प्यारी है मन्ने। और जॉन, तू देखना चाहता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं? उड़ा दे इस हीरो की खोपड़ी का जैसा। नहीं, मैं घुसकर जरूर हूँ, पर ध्रुव की जान की घुस मैं कभी नहीं लूंगा। तो फिर अपनी खोपड़ी तोड़ा के बताओ। औ, यह तो छड़ी को चाइनीज नाचकों की तरह खोल रहे। ध्रुव भाई संभाल अपने आप को, तब तक मैं अपनी जान को संभालता हूँ। भैया मोटापा जान बच गई तो कल से मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाऊंगा। जान जरूर बचेगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी। अरे ये सरकारी किताब है। अगर मुझे कुछ देर के लिए नजर नहीं आ रहा तो इन्हें भी नहीं आएगा। अरे अरे आओ। अब हिसाब बराबर हुआ, मैं आंखें बंद करके भी आवाजों से इनकी स्थिति और हरकतों को भाप सकता हूँ, पर ये मेरी हरकत भांप नहीं सकते। आई गुड, जितनी जोर से चिल्लाओगे मुझे तुम्हारी पोजीशन का उतना ही सही अंदाजा लगेगा, उसके बाद जो तुम्हें लगेगा वह तुम्हें लगेगा। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, अब तुम्हारी बारी है ताऊ। नहीं, इसकी बारी है। आगे बढ़ और इसके कंप्यूटर पर अपने कंटेनर की पोजीशन चेक कर, वरना इसकी गर्दन रेत दूंगा। इसकी जरूरत अब नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं है। चाकू छोड़ो या नान चाकू लो, खोल दो खोपड़ी इस घुसखोर की। अरे अरे, मेरी तरफ फेंक रहा है क्या? पंखे की तरफ। वहाँ क्या सदा अंदाजा है। अब तुम बाहर निकल लो, यहाँ का सीन जरा डेंजरस होने वाला है। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, ना जाने इनसे कौन कौन मिला हो, फिलहाल मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इन्हें तो मैं खुद ही निपटाऊंगा। चलो यह तो और भी अच्छा है। तू मरा तो फिर कंटेनर लड़ने वाला कौन? फिर तो वह वैसे ही अपना ही है। दुश्मन कैसा भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से कभी नहीं चूकता। आह, इसमें तो गजब की फुर्ती है, मेरा किक एक्शन पूरा होने से पहले ही पगड़ी भी खोल ली और इस्तेमाल भी कर ली। यह कोई मामूली इंसान नहीं, यह कोई सुपर ट्रेंड कुंगफू फाइटर है, रोप स्टाइल फाइटर। इसकी रोप को पहले निष्क्रिय करना होगा। आह, चल चल रे, तैयार हो जा मरने को। मर तो तू शर्म से, कुछ तो ढंग से सीख ले, ऐसे हवा में पगड़ी उछाल कर अपनी इज्जत मत कम कर। वैसे मुझे कोई शक नहीं है कि तुझे इज्जत का मतलब भी पता होगा। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, और मेरा काम है मौत देना।
आह, यह तो किसी चीज़ से रुक ही नहीं रहा है और इसकी पगड़ी के वारों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर वार के साथ इसकी पगड़ी की ऐंठ बढ़ती जा रही है और यह पगड़ रस्सी और कड़ी हो रही है। इसकी ऐंठ ढीली हो जाए तो, अगर मैं इसकी पगड़ी को उल्टा घुमाकर खोल सकूं तो बात बन जाए। लेकिन उल्टा घुमाऊं कैसे? यह मुझे इतना समय तो देगा नहीं। ऊपर देखो, ऊपर। अब की बार पगड़ी मेरी तरफ लपकी तो मेरे हाथ में एक ढाल थी और यही ढाल उसका हथियार भी थी। मैंने बिना एक भी क्षण गंवाए पगड़ी सीधे पंखे की तरफ फेंक दी। पंखे ने ऐठी पगड़ी को उल्टा घुमाकर खोलना शुरू कर दिया और पगड़ी सख्त से नरम होने लगी। अरे यह क्या, मेरी पगड़ी तो तेरे कफन की चादर बन गई है। कहते हैं ना कि तलवार से जीने वाले तलवार से ही मरते हैं। चीनी ताऊ, थैंक्स। तुम्हें पंखे का ध्यान कैसे आया? अरे तुमने मेरी गर्दन भी तो पंखे की मदद से ही बचाई थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। रसीद मिल गई तो जल्दी वापस आऊँगा। तुम तब तक गार्ड्स को बुला लो। अरे रुको यार, इन्होंने तुम्हारी केक खाई है, कम से कम 2 घंटे तो बेहोश रहेंगे। चलो मैं तुम्हारा कंटेनर दिखला देता हूँ यार सर जी। पर आप तो रसीद। अरे छोड़ो, जान बचाइए तुमने हमारी, और जान बचाने का इतना तो शुक्रिया करना बनता ही है। क्यों? ध्रुव कंटेनर की तरफ चल तो दिया था पर अभी पहुंचा नहीं था। कंटेनर तक पहुंचने की रेस अभी भी जारी थी। इसकी उम्र का ध्यान रखना, ब्रेन एक्टिवेट करने के चक्कर में कहीं इसे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। चिंता मत करो, ओवरडोज नहीं दूंगा। इस दवा की तो 2 बूंद ही इसके ब्रेन हैक करने के लिए काफ़ी है। इंजेक्शन जेकब की त्वचा में घुसा और उसका मेमोरी बॉक्स अनलॉक होने लगा। देखो, सिरम काम कर रहा है। गुड, अब इसकी मेमोरी की इलेक्ट्रिकल्स वेव्स को वेव्स वाईफाई से हमारे कन्वर्टर से जुड़ेगी और उनको पिक्चर्स में बदलकर स्क्रीन पर दिखाएगी। पर यह तो इसकी 40 साल पुरानी मेमोरी लगती है। बंदूक लिए खड़ा है, जवान शिकारी रहा होगा जैकब। ओह, इसकी फैमिली भी है, एक लड़का है, पर वह अब कहाँ है? आगे की मेमोरी फीड का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर हमारे पास इतना टाइम है क्या? ऐसे तो उस कंटेनर का पता मिलने में न जाने कितना टाइम लगेगा। तब तक ध्रुव कहीं कंटेनर तक ना पहुंच जाए, उससे भी बदतर कहीं वह यहां तक ना पहुंच जाए। सुना है कि वह जेकब को भी ढूंढ रहा है। असंभव, हमारी 3-tier सिक्योरिटी है, लाइट मशीन गन से लेस, वे चाहे उसे रोक ना पाए। पर हमें वार्निंग तो मिल ही जाएगी। ओ गॉड, यह क्या है? पूरी मशीन का भट्टा बिठा दिया। एक भयानक विस्फोट। पर इतना भयानक वार कर कौन रहा है? यह ध्रुव तो हो नहीं सकता। इनका ख्याल सही था।